हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मोंगो डीबी में जब आप किसी कलेक्शन से डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं तो उसमें प्रोजेक्शन जो होता है वो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। तो प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कलेक्शन से डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं तो क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी कीज पर वैल्यू मौजूद है वो आपको आउटपुट में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इनमें से केवल कुछ ही कीज का जो है डेटा आउटपुट में देखना चाहते हैं, बाकी का नहीं देखना चाहते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये आपको कैसे करना है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास जो यूज़र करके कलेक्शन मौजूद है और उसके अंदर जो ये डेटा मौजूद है, तो आज मैं प्रोजेक्शन की मदद से केवल नेम, सिटी और सैलरी वाले की पर जो भी डेटा मौजूद है वही मैं आउटपुट में देखूंगा। तो सबसे पहले आपने जो फाइंड करके जो फंक्शन लिखा है इसके पैरामीटर में जाना। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है इस तरीके से। पहला वाला जो कर्ली ब्रैकेट होता है इसके अंदर जो है आप वो कंडीशंस लिखते हैं जिनके आधार पर जो है आप डेटा को रीड करना चाहते हैं। कंडीशन जैसे हो गया लेस देन का, हो गया इक्वल टू का, हो गया ग्रेटर देन का हो गया, जो कि हम लोग अपने पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर आप यहाँ पे दूसरा जो है कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो जिस भी की का डेटा आप देखना चाहते हैं सबसे पहले उस की का नाम लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम वाले की का डेटा देखना चाहता हूँ तो मैंने उसका नाम लिख दिया। उसके बाद आपको कॉलन लगा के यहाँ पे वन लिखना होता है, फिर आपको कॉमा लगाना है। दूसरा कौन से की का डेटा हम लोग देखना चाहते हैं, सिटी वाले का, कॉलन लगा के आपको वन लिखना है, फिर कॉमा लगाना है। उसके बाद जो है आप कौन से वाले की का डेटा देखना चाहते हैं, सैलरी वाले जो है की का डेटा देखना चाहते हैं, कॉलन लगाइए, वन लिखिए, फिर हम लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब हम लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, नेम, सिटी और सैलरी वाला जो की है उसी का डेटा हमें आउटपुट में दिखाई देगा। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको F5 दबाना है और ये देखिए इस बार क्या हुआ, नेम, सिटी और सैलरी वाला जो डेटा है आपको आउटपुट में दिखाई दे रहा है। ये जो ID वाला जो की है उसका भी डेटा आउटपुट में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ID वाला जो ये की है इसका डेटा आउटपुट में ना दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाइए, की का नाम लिखिए, की का नाम क्या है, _ID, कॉलन लगाइए और यहाँ पे इस बार आप 1 नहीं लिखेंगे, इस बार आप 0 लिख देंगे। उसके बाद आप F5 दबाइए तो ये देखिए ID वाला जो आपका की था उसका डेटा अब आपको नहीं दिखाई देगा। तो यही चीज़ प्रोजेक्शन है। 1 का मतलब होता है कि इस वाले जो है की का वैल्यू आपको दिखाना है और 0 का मतलब होता है कि इस वाले की का वैल्यू आपको नहीं दिखाना है। और किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है ID वाला जो आपका की होता है उसका डेटा अगर आप नहीं देखना चाहते तो उसी केस में जो है आपको इस तरीके से वहाँ पे 0 लिखना है, और बाकी जिन की का डेटा आप नहीं देखना चाहते उनका जो है इस तरीके से आपको 0 करके नहीं लिखना होगा। आप जिन जिन पे 1 लिख देंगे उनका डेटा आपको दिखाई देगा, बाकी के कीज का डेटा नहीं दिखाई देगा। ID को छोड़ के, ID को बंद करने के लिए आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो यही चीज़ प्रोजेक्शन है। तो अगर इस वीडियो से आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।